नमस्कार दोस्तों, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर ने पीएचडी इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी जो भी स्टूडेंट पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिए हैं, अब उनका पीएचडी होगा, उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें समस्त पीएचडी में प्रवेश हेतु साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थी गण पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने वावर, तो ये सभी को इंटरव्यू में प्रेजेंट होने के लिए जो है और आरएसी अटेंड करने के लिए ये नोटिफिकेशन है। आपके पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में आपको शोध परामर्श समिति यानी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी आरएसी के समक्ष साक्षात्कार हेतु संलग्न सारणी अनुसार प्रदर्शित स्थल पर समय 11 बजे अर्हता के सभी मूल दस्तावेजों यानी जो भी आपका वेन्यू दिया जाएगा वहां पर 11 बजे आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस 1 और 2 दो सेट फोटोकॉपी के साथ शोध निदेशक के सहमति पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन लेटर और कंसेंट लेटर फ्रॉम सुपरवाइजर, फिर है शोध प्रस्ताव रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस एवं निर्धारित शुल्क की राशि के साथ उपस्थित होना है। ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको इंटरव्यू में जाते समय ये सभी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। आपकी प्रवेश पात्रता निश्चित होते ही आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाता है इंटरव्यू, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा कोर्स वर्क के लिए, ठीक है, और उसका फीस आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। यदि आप निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपनी अर्हता पूरी नहीं करते हैं या आप निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होते हैं अथवा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करते हैं, तो आपका प्रवेश आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाएगा एवं प्रवीण सूची के प्रतीक्षारत छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरव्यू में नहीं जाते हैं या इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है कोर्स वर्क के लिए और आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो आपका जो है मेरिट कैंसिल कर दिया जाएगा और जो वेटिंग के स्टूडेंट हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 में चयनित समस्त छात्रों के साथ सभी यूजीसी नेट विद जेआरएफ, यूजीसी नेट सीएसआरआई, नेट विद टीचर फेलोशिप होल्डर और एनी अदर गवर्नमेंट फॉरेन रिसर्च फेलोशिप होल्डर यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अनुसार एमफिल विद कोर्स वर्क अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, क्योंकि फॉर्म तो सभी को भरना था, तो फॉर्म का प्रिंट आउट और आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो अगर आप पास हुए हैं तो उसका और बाकी सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो भी इंटरव्यू में जा सकते हैं और इंटरव्यू में उनको अटेंड करना है। अभ्यर्थियों को हायर सेकेंडरी स्नातक स्नातकोत्तर यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अनुसार एमफिल कोर्स वर्क विद कोर्स वर्क की अंक सूची, मध्य प्रदेश के पूर्ण निवासी का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक अयोग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि के संबंध में मूल दस्तावेजों के साथ उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति भी लानी है। ये ध्यान दीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट और उसके कम से कम एक प्रमाणित छायाप्रति भी। प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा एवं राज्य आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नॉन क्लीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो रिजर्वेशन सिर्फ एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट्स को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा। नॉन क्लेमी ओबीसी के लिए नॉन क्लेमीरियर कैटेगरी का भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य सर्टिफिकेट में आजकल जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो
डिजिटली होगा, प्रिंटेड होगा, हाथ से लिखा कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो सभी चीज़ें जो हैं मैक्स टू मैक्स प्रिंटेड कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पूरा हाथ से लिखा हुआ ऐसा कुछ एक्सेप्टेबल नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। फिर है प्रवेश हेतु निर्धारित MP ऑनलाइन के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना अनुसार अन्य शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं समय समय पर, तो आपको फीस भी जमा करना है। और विभागीय शोध साक्षात्कार समिति, शोध अभिरुचि, शोध क्षेत्र एवं प्रस्तावित शोध विधेय पर अभ्यर्थी से चर्चा करेगी। तो इस तरह से रिलेटेड जो पूछा जाएगा वो रहेगा, जो शोध समिति होगी यानी रिसर्च कमेटी होगी, उसमें से शोध में अभिरुचि, क्या आपका इंटरेस्ट रिसर्च में, क्या इंटरेस्ट है, शोध क्षेत्र व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिसर्च, प्रस्ताव प्रपोजल विधि, शोध विषय व्हाट इज़ द रिसर्च टॉपिक, ठीक है, पर अभ्यर्थी से चर्चा करेगी। तो दीज आर द क्वेश्चन जो वहाँ से पूछेंगे आपसे। समिति अभ्यर्थी को शोध संभावनाओं का भी परीक्षण करेगी, ठीक है ना, कि आपसे वो जानना चाहेगी कि आप शोध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या कैसा आपको। अभ्यर्थी को इस संबंध में यथोचित तैयारी कर एवं उपयुक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें इन सभी के लिए और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनेंगे रिसर्च से संबंधित और व्हाट इज़ द कंडीशंस जो भी हैं। मध्य प्रदेश के बाहर अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रखिएगा MP के बाहर के जो स्टूडेंट हैं आउट ऑफ स्टेट वाले, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व अध्यक्षों संबंधित राज्यों तथा स्थानीय थाने के माध्यम से पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा आउट ऑफ MP के जो स्टूडेंट, उनको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथि से कोर्स वर्क प्रारंभ होगा। कोर्स वर्क हेतु RAC द्वारा अनुशंसित शोध निर्देशक एवं शोध क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। तो इसके बाद जो है कोर्स वर्क होगा और उससे संबंध में जो है आपका सब अलॉटमेंट होगा। कोर्स वर्क पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। अतः शासकीय शासन सेवारत तो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी से कोर्स वर्क पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनापत्य प्रमाण पत्र में अवकाश स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना होगा। जो भी एक पूर्णकालिक है मैंने फुल टाइम कोर्स होगा, कोर्स वर्क जो होगा अराउंड 6 मंथ का होता है और इसमें फुल टाइम है, तो जो भी वर्किंग पर्सन हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर उस डिपार्टमेंट से या संबंधित जो भी उनके ऑफिसर्स हैं उनके जो है लेटर होगा तो ही आपका कोर्स वर्क हो पाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र से संबंधित समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। कोई भी चीज़ का आप अगर बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप बता रहे हैं, तो उसका मैक्स टू मैक्स आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट या आपको लाभ मिल पाएगा। शोध निदेशक से सहमति पत्र एवं अनापत्र प्रमाण पत्र जो प्राचार्य विभाग द्वारा भी हस्ताक्षरित हो लाना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा कंसर्न लेटर जो है वो आपको जो आपके सुपरवाइज़र हैं प्लस उस डिपार्टमेंट के जो भी HOD हैं या प्रिंसिपल हैं उनका भी पूरा उसमें फॉर्मेट में जो भी सिग्नेचर है, है ना, सील वगैरह होना चाहिए। संलग्न है PhD है साक्षात्कार कार्यक्रम विवरण सारणी, शोध निदेशक केंद्र सहमति का प्रारूप, पात्र अभ्यर्थियों की विषयवार सूची, ये सभी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं PhD में क्या है साक्षात्कार है तो कार्यक्रम किस प्रकार से होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें कला यानी आर्ट में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी समस्त पात्र अभ्यर्थी जो हैं 20/6/2022 को आपका इंटरव्यू होगा, यानी 20 जून 2022 को फिलॉसफी का है। और वेन्यू होगा विश्वविद्यालय सभागार यानी
यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। देन संस्कृत का है, समस्त अभ्यर्थी 21 जून 2022 को। इंग्लिश का होगा 22 जून 2022 को। अब हिंदी पे आएँ तो ये रोल नंबर लिखे हुए हैं, चेक कर सकते हैं, 24/6 यानी 24 जून 2022 को है। वेन्यू सभी का सेम रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। और ये जो रोल नंबर दिए गए हैं आप चेक कर सकते हैं, हिंदी विषय के लिए हैं। फिर इसके बाद हिंदी विषय में 24 को है, 25 जून को है, 27 जून को है और 28 जून को है। फिर अर्थशास्त्र में है, समस्त अभ्यर्थी 21 जून को है। और उसमें जो जगह है ध्यान रखिएगा, सरस्वती सभागार, सरस्वती ऑडिटोरियम में होगा। फिर है इतिहास का, 24 जून को है, सरस्वती ऑडिटोरियम में। समाजशास्त्र रोल नंबर दिए गए हैं, 25 को भी होगा और 27 को, जगह सरस्वती सभागार रहेगा। राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के जो ये स्टूडेंट्स हैं वो उनका रोल नंबर दिया गया है, तो 30 जून और 1 जुलाई और 2 जुलाई को होगा सरस्वती सभागार यानी सरस्वती ऑडिटोरियम में। देन सब्जेक्ट है भूगोल यानी ज्योग्राफी का, सरस्वती सभागार में 28 जून और 29 जून को होगा। और नेक्स्ट इस विधि यानी लॉ में जो है, उससे पहले मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, समस्त पात्र अभ्यर्थी 29 जून 2022 को होगा सरस्वती सभागार में। फिर विधि यानी लॉ का 22 जून को है। फिर इसके बाद 23 जून को भी लॉ का है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में 4 जुलाई को है, रसायन अध्ययनशाला यानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। भौतिक शास्त्र फिजिक्स का 5 जुलाई को है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। भूगर्भ यानी जियोलॉजी का 6 जुलाई को है, भूगर्भ अध्ययनशाला में यानी जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। गणित मैथ्स का है 23 जून को। विद्यालय विश्वविद्यालय सभागार यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। बाकी आप इसमें वाणिज्य देख सकते हैं यानी कॉमर्स, कॉमर्स डिपार्टमेंट में होगा और आपका 22 जून 23 जून 24 जून 25 जून को है इंटरव्यू। देन नेक्स्ट है वनस्पति यानी बॉटनी, 3 जुलाई 2022 को है एंड 4 जुलाई 2022 को है। वेन्यू होगा बॉटनी डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर जंतु विज्ञान जूलॉजी में 2 जुलाई को है, जंतु विज्ञान अध्ययनशाला मीन्स जूलॉजी डिपार्टमेंट में। गृह विज्ञान होम साइंस का होगा 29 जून को और विश्वविद्यालय सभागार यानी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। तो इस तरह से पूरी लिस्ट है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार से आप डेट देख सकते हैं। और उस डेट को 11 बजे समय है, उससे पहले आप आराम से वहाँ पर पहुँचें और पूरे डॉक्यूमेंट और फुल प्रिपरेशन के साथ आप इंटरव्यू देने जाएं। अब आते हैं, तो नेक्स्ट है ये शोध निदेशक, सह निर्देशक तथा शोध केंद्र की सहमति, कंसर्न लेटर कहलाता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर है। तो इस तरह से प्रिंट आउट ले सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करके। शोध निदेशक के रूप में शोध निदेशक का नाम, ये सब जो भी डिटेल से पूरा भर सकते हैं। शोध परामर्श समिति RAC के द्वारा होता है, ठीक है। तो आप मिलकर जो है लिस्ट दी गई है तो आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरा आपका शोध निदेशक नाम, संस्था, दिनांक, केंद्र प्रभारी, प्रति हस्ताक्षर, मय सील, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी जो हैं सिग्नेचर भी होना चाहिए और सील भी होनी चाहिए चीज का, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कंसर्न लेटर है और डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से विजिट करके। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।